अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं वो है, मेरे पास ये लेफ्ट ओवर दाल है जो मैंने कल बनाई थी, और मेरे पास आटा है तो मैं उसके आपको आलू भरे पराठे, मतलब इसके मूंग की दाल के आपको पराठे बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम आटा लेंगे। हम तकरीबन इतना आटा ले लेंगे, अपना अपने हिसाब से खुद ही हम ले लेंगे। ये हमने आटा लिया और जिस तरीके से वो आटे को आप थोड़ा सा पतला कर लें, उसके बाद आपने ये डाल ली। ठीक है, ये आपने डाल लिया। उसके बाद आपने उसी आटे का थोड़ा सा पेड़ा उठाया और इसको उसी तरीके से और पतला कर लिया। ठीक है, और ये प्लेन करके आपने इसके ऊपर ऐसे करके लगा लिया। चाहे तो आप थोड़ा सा ऑयल भी अंदर लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास दाल में ऑयल ऑलरेडी मौजूद है अच्छा खासा, तो मुझे लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्लेन कर लूँगी, थोड़ा सा मैं इसको आटे में ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको या तो बेलन से फैला लूँगी या हाथ से फैला लूँगी। मैं इसको मजीद और बड़ा करूंगी ताकि पराठे की लुक आ जाए और एक मीडियम साइज का मेरे पास पराठा रेडी हो जाए। असल में ये रेसिपी बहुत सिंपल है। हम चाहें तो रात में हमारे पास आलू भी बच जाते हैं, राइस भी बच जाते हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल भी बच जाती है। तो हम हर तरीके से उसको पराठे में दोपहर में या सुबह में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये तवे पर डाल दिया। ठीक है, अभी थोड़ा सा नीचे से सिक जाएगा, फिर हम इसको पलटेंगे पलटेंगे ये हमने पलट लिया। ठीक है, ये मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप लोग चाहें तो आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या मतलब आपका क्या टेस्ट है। मुझे क्योंकि ऑयल पसंद है, पराठों में घी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया, ऑयल डाल दिया। फिर मैं इसको पलट लूँगी, थोड़ा सा मैं इसको हल्की आँच पे रखूँगी, मीडियम लो फ्लेम पे रखूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम, ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और इस तरह के पराठे आए बच्चे बहुत लाइक करते हैं और बच्चे भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली तो माओ को आती ही है ये इस तरह की रेसिपीज़। जो बच्चे हैं, छोटे बिगनर्स हैं, जैसे बच्चियाँ होती हैं 10 11 12 साल की, वो आराम से इजीली इसको कुक कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कोई पकाने की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास इसकी फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम सेक लेंगे। हमारे पास ये पराठा रेडी हो चुका है और हमने इसके साथ दही का रायता बनाया है और हमने इसके साथ पुदीने की चटनी बनाई है। इस चटनी को मैं आपसे फिर कभी शेयर करूंगी। फिलहाल मैं आपको पराठे की अंदर से लुक दिखाती हूँ तोड़ के, ये कितना मज़े का लग रहा है, इसको इतना गर्म हो रहा है ये टू मच। ये देखें मज़ेदार आपका पराठा रेडी टू ईट है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक और अच्छी रेसिपी के साथ मिलूंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।